दोस्तों एक सवाल देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है, किसी ने पूछा है कि अगर अलग अलग विषय में जैसे इंग्लिश और संस्कृत में 35 नंबर पासिंग मार्क हो, मैथ में पासिंग मार्क 27 हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 21 हो, तो जब एक सेम मार्क्स पे फेल और पास होता है तो निकालना बहुत ही आसान होता है, आप और गेट से निकाल सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे जाकर के पिछले वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, मैं सीट अब आपको दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको सीट दिखा रहा हूँ। सीट में आप देख रहे हैं कि हिंदी में 33 है, इंग्लिश में 35 है, 35, संस्कृत में 35 है, मैथ में 27 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग पासिंग मार्क है। तो इस कंडीशन में जब अलग अलग पासिंग मार्क होता है तो उस कंडीशन में फेल पास कैसे निकालते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं टोटल मार दे रहा हूँ, सिंपल, टोटल के बगैर मार्कशीट एक तरीके से अधूरा रहता है, सिंपल करना है। और परसेंटेज के लिए यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने इसको एवरेज मार दिया, परसेंटेज निकल आया ये। अब यहाँ पर फेल पास में अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से निकालना है तो कैसे करेंगे, इक्वल, इफ, और हम लगाएंगे एंड गेट। एंड गेट के बाद ये 33 है तो हमारा जो हिंदी वाला है ये B3 है, B3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 कॉमा बी के बाद C3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 35। देख रहे हैं सी हमारा ये 35 है, डी भी 35 है, कॉमा D3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 35, देन E3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, अब ई में देखिए क्या है, 27 है, इसका क्राइटेरिया अलग है। देन अगला देखिए, ई के बाद एफ आपका आ जाएगा, F3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 27, ये भी 27 का पासिंग मार्क है, और जो आपका नहीं, एफ में आपका 21 है, एफ में 21 है। फिर आपका जी आता है यानी केमिस्ट्री, इसमें भी जो आपका है G3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर इसमें से किसी में भी आप देख रहे हैं जो 33-35 जो पासिंग मार्क दिया हुआ ये, इसके अलावा अगर कुछ आता है तो फेल है, इससे नीचे अगर आता है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करूँगा और फिर मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि अगर ऐसा है तो पास, नहीं तो फेल, ये एक अलग कंडीशन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, मैं सिंपल सबको ड्रैग कर दे रहा हूँ, नीचे सब आ जाएगा, ये देखिए। तो इसके बाद अब देखिए, जैसे इसमें फिजिक्स में 21 में से मैं किसी में मान लिया कम करके 20 कर दिया, देखिए ये फेल हो गया, तुरंत देखिए फेल हो गया ये। अच्छा ठीक है, चलिए मैं इसको एक फिर से कर दे रहा हूँ पास, कहीं भी आप करके देखिए, 34 मैंने कर दिया, 35 से नीचे तो फेल हो गया। तो मेरे मित्र ने जो सवाल पूछा था, सवाल यही था कि अगर अलग अलग क्राइटेरिया है पासिंग मार्क का तो फेल पास कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। मैंने फेल पास का और भी वीडियो बना के रखा है, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे। तो फेल पास के मैंने बहुत सारे, कम से कम दसियों ट्रिक्स मैंने बताए हैं कि फेल पास कैसे निकालते हैं, रिमार्क कैसे निकालते हैं, मार्कशीट को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप वहाँ पे जाइए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आपको आगे अगला वीडियो और अच्छे से दे पाऊँ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।